और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अडानी समूह पर मचे घमासान के साथ, क्योंकि ताजा खबर ढाका से आ रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में मची उथल पुथल, और देश में सियासी संग्राम के बाद बांग्लादेश ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ 2017 में हुए बिजली खरीद समझौते की समीक्षा की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी के प्लांट के लिए झारखंड के गोड्डा जिले से ऊंची कीमतों पर कोयले की खरीद विवाद का ये अहम मुद्दा है। बांग्लादेश के मुताबिक कोयले की ऊंची कीमत बताई गई, जबकि ये कम होनी चाहिए थी। और इस बीच भारत में भी सियासत तेज है, क्योंकि सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करने के लिए सुबह 10 बजे आज विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। तो अब आपको बता देते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले पर क्या ताजा अपडेट है, क्योंकि लगातार विवादों में ये मामला है। एनएसई ने अडानी समूह के 3 शेयर्स पर निगरानी बढ़ा दी है। अडानी समूह के 3 शेयर्स को शॉर्ट टर्म एएसएम में डाल दिया गया है। अब ये एएसएम क्या होता है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच ये समझ लीजिए कि एनएसई की निगरानी में शेयर्स आने से अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, ये वो 3 शेयर्स है जो इस वक्त निगरानी में है। एएसएम का क्या मतलब होता है? एएसएम यानी एडिशनल सर्विलांस मेजर्स, और शेयर्स की निगरानी का ये एक तरीका होता है जो कि सेबी द्वारा उठाया जाता है। निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एएसएम लाया जाता है और 3 शेयर्स पर यह लागू कर दिया गया है। किसी शेयर्स में उतार चढ़ाव बढ़ने पर एएसएम में उसे डाल दिया जाता है। और ऐसे ही स्थिति कुछ हमने देखी थी बीते दिनों अडानी के शेयर्स की। यही वजह है कि आरबीआई ने अडानी ग्रुप को कर्ज पर बैंकों से अब जवाब मांगा है। स्विस बैंक क्रेडिट स्वीज ने अडानी ग्रुप से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगा दी है, और यही एक प्रमुख वजह है कि जब एफपीओ लाया गया उसके बाद उसको विड्रॉ कर लिया गया, तब अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया कि जब तक बाजार में उथल पुथल मची रहेगी तब तक वो अपना एफपीओ नहीं लाएंगे। तो ये तमाम ताजा अपडेट इस पूरे समूह से जुड़ा हुआ। लेकिन आज 10 बजे एक सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसमें विपक्षी दल खासतौर पर लामबंद होंगे, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही है कि अडानी पर चर्चा हो सदन में। और इसके लिए कल हमने देखा था कि धरना दिया गया था, और इस धरने में तमाम वो विपक्षी दल शामिल हुए थे, चाहे वो आप हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी प्रमुख चेहरे इस धरने में कल संसद के बर्खास्त होने के बाद शामिल हो गए थे। अब ये पूरा का पूरा मामला दरअसल शुरू हुआ था हिंडनबर्ग रिपोर्ट के साथ, जिसमें कई सवालिया निशान उठाए गए थे अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट को लेकर, और ये कहा जा रहा था कि इस ग्रुप को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कहां है सीबीआई, कहां है सेबी, कहां है ईडी, कहां है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे बाकी फाइनेंशियल करप्शन करके, फाइनेंशियल फ्रॉड करके बाकी लोग भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे ये भी भाग जाएंगे तो लोगों का क्या होगा? उनके पासपोर्ट जब्त होने चाहिए अडानी के? कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन है तो देना चाहिए, और जो भी समस्या है, जो संसदीय परंपरा है, संसदीय परंपरा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में कोई भी विषय लेके आप अपने विषय रख सकते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं। देश के नेशनलाइज्ड बैंक्स ओवर एक्सपोज हो रहे थे, स्टॉक खरीद रहे थे एट इन्फ्लेटेड प्राइसेस। इन सबका इन्वेस्टिगेशन सेबी के दायरे में आता है, पर एक रिसर्च रिपोर्ट ने ये सारा बताया है, तो उस पर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? रातों रात 3-4 दिनों के बीच में ही 1.5 लाख करोड़ जनता का स्टॉक मार्केट में गया हो, देश की जनता का। क्या सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या ये एक बड़ा मुद्दा नहीं है? ये क्या एक स्कैम के लिए बराबर नहीं है?